हेलो दोस्तों तो चलिए आज हम लोग बात करने जा रहे हैं एक ऐसे टॉपिक पर जैसे आपको पता है कि कल एग्ज़ाम हो चुका है यूपीएससी का एग्ज़ाम और यूपीएससी का जो एग्ज़ाम है वो हमेशा चर्चा में रहता है कि उसके जो क्वेश्चन होते हैं वो बहुत मज़ेदार होते हैं तो बहुत से लोग पूछ रहे हैं कि सर बताइए कट कि ऑफ कितना जा सकता है हम उसी की बात करेंगे तो पहले कट ऑफ जानने से पहले बेसिक चीज़ें तो पता होनी चाहिए कि भैया कट ऑफ किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है तो कट ऑफ तो पहली बात यह है कि कट ऑफ को सबसे ज्यादा जो डिसाइड करने वाला फैक्टर बना है यूपीएससी में वो क्या है सी सेट सेकेंड पेपर है तो इस बार जीएस वन की हम बात करें तो जीएस वन पेपर ठीक था लगभग जो लास्ट ईयर के हम कंपेयर करें तो उससे थोड़ा इजी था लेकिन आप ऐसा नहीं कि ईजी नहीं बोल सकते हो कि आपको लगता होगा कि कुछ लोग देखेंगे कि चार पांच क्वेश्चन कर पा रहे हैं तो उन्हें लगेगा बहुत ईजी है लेकिन एग्जाम हॉल में करना एग्जाम को वो बहुत बड़ी बात होती है कि सरल क्वेश्चन भी गलत हो जाते हैं तो ऐसा नहीं बोल सकते पेपर अच्छा था बहुत अच्छा था लेकिन सी सेट की हम बात करें तो सी सेट जो लास्ट ईयर का था वो बहुत टफ था लेकिन इस बार थोड़ा सा इजी किया है लेकिन इजी ज़्यादा इजी नहीं था टफ भी बोल सकते हो तो इस बार जो सी सेट है सी सेट ही हमारा जो फैक्टर रहता है कि जो सेकंड पेपर है वो हमारा कट ऑफ डिसाइड करता है तो थोड़ा देख लेते हैं कि क्या क्या रहेगा थोड़ा फैक्टर्स देख लेते हैं कि हम जी हम बात करें पहले पेपर की पहले पेपर की हम बात करें तो पहले पेपर की हम बात करें तो जी एस वन की हम बात करें जी एस वन पेपर की बात करें तो ये देखोगे मॉडरेट से लेके टफ की तरफ था मॉडरेट आप मान सकते हो मॉडरेट टू टफ टफ था पेपर मॉडरेट टू टफ था और थोड़ा हम हम सी सेट की बात करें सी सेट की बात करें सी सेट की हम बात करें तो सी सेट आप देखोगे कि लगभग मॉडरेट था टफ मतलब टफ भी कुछ क्वेश्चन थे लेकिन मॉडरेट था आप लेकिन ये जो पर्सन मैंने इस एग्जाम को खुद भी दिया है मेरा इसमें लगभग 103 मार्क्स आ रहा है ठीक है आ, एक सौ मार्क्स है लेकिन हम इसकी बात करें सी सेट में लगभग आप देखोगे 72 या 75 के आसपास मेरे मार्क्स आ रहे हैं अब आईआईटी बीएचयू से मैं सेलेक्टेड पर्सन हूं तो मैं वही सोच रहा था मैं दोस्तों से बात कर रहा था कि एक पर्सन जो आईआईटी से पढ़ा हुआ है जिसने बीटेक की है जिसने आईआईटी की तैयारी की है तो मैथमेटिक्स बहुत अच्छा होगा तब वो पर्सन केवल सत्तर बहत्तर मार्क्स लेके आ पा रहा है अब बताओ एक नॉर्मल इंसान जो बीए किया हुआ है बीएससी किया हुआ है जिसने मैथ की बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़ाई नहीं की होगी तो अड़सठ मार्क्स लाना उसके लिए टफ तो है सच बताएं तो होता क्या है कि कभी कभी लोगों के इसमें बहुत अच्छे मार्क्स आ गए कि इसमें बहुत अच्छे मार्क्स आ गए लेकिन हम सी सेट में मार्क्स अच्छे नहीं आए तो कितने भी अच्छे मार्क्स आ जाए और सी सेट नहीं निकला तो भाई सब कोई 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 फायदा नहीं है तो इसलिए कट ऑफ डाउन चला जाता है ऐसे कई हज़ारों बच्चे होते हैं जिनके मार्क्स जीएस में तो बहुत अच्छे हैं कि 110 हैं या 107 हैं लेकिन सी सेट में मार्क्स नहीं आ रहे हैं सिक्सटी मार्क्स नहीं आए 200 में से मतलब 33 पार्क तैंतीस परसेंटेज जो मार्क्स हैं इसमें आने चाहिए तो 33 मार्क्स परसेंटेज मार्क्स नहीं आते हैं तभी क्या होता है कि जिन लोगों के जी में अच्छे मार्क्स होते हैं और इसमें नहीं होता है तो उन लोगों को सेलेक्ट नहीं किया जाता है तो इसी चक्कर में क्या होता है कि तैंतीस परसेंटेज जिन्होंने क्वालिफाई किया है तो ऐसे लोग क्या होते हैं कमी होते हैं और उनके जीएस में मार्क्स कम होते हैं तो समझ रहा है तो इसलिए कट ऑफ डाउन हो जाता है तो इस बार ये ये फैक्टर है तो ये फैक्टर भी कट ऑफ डाउन करेगा थोड़ा देख लेते हैं लास्ट ईयर के कट ऑफ की हम बात कर लें कि 2023 के कट ऑफ की बात कर लेते हैं 2023 का जो प्रीलिम्स का कट ऑफ कितना था तो हम फिर हम बात करेंगे कि 2024 का संभावित कट ऑफ कितना हो सकता है एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकता है थोड़ी बात करेंगे तो 2023 का देखो जनरल का बहुत कम था 75 लोगों ने सोचा ही नहीं था कि कट ऑफ इतना डाउन चला जाएगा इसका सिंपल रीजन क्या था सिंपल रीजन था कि भाई सब सी सेट था कि सी सेट में हमारे भी दोस्त थे एक दोस्त तो मेरा आई कानपुर से था उसके जीएस में बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे थे लेकिन सी सेट नहीं निकला आप बताओ आई का एक पर्सन नहीं सी सेट निकाल पा रहा तो सी सेट क्या है अब कोई भी पर्सन तैयारी करता है मुझे ऐसा लगता है कि जीएस वन की तैयारी करो लेकिन साथ साथ में आपको सी सेट भी पढ़ना पड़ेगा बिना सी सेट पढ़े हुए आप नहीं जा सकते यूपीएससी में और इस बार भी सी सेट सरल नहीं था लोग बोल रहे हैं कि सी सेट सरल था आप भाई साहब एग्जाम हॉल से बाहर आप कर ले रहे हो दस बारह क्वेश्चन तो दस बारह क्वेश्चन से हो गया क्या आपको नेट ट्वेंटी क्वेश्चन करने हैं तो ट्वेंटी सेवन क्वेश्चन करना ईजी नहीं है एग्जाम हॉल में तो आप देखोगे इसका रीजन भी सीसेट था कि में लोगों ने क्वालिफाई नहीं किया जिनके बहुत अच्छे का 68 था, का फोर था लगभग आसपास ही रहता है एस सी था बहुत कम चला गया था अब ऐसी ऐसे लोग होंगे जिनके जीएस में बहुत अच्छे मार्क्स होंगे लेकिन उन्हें सी सेट नहीं निकाला होगा तभी तो देखोगे कि बहुत कम मार्क्स कट ऑफ चला गया फिफ्टी ऐसी एस का आप देख सकते हो फोर्टी सेवन पॉइंट एट ऐसी हम फिजिकल हैंडीकैप्ट की बात करें तो थर्टी थ्री के आसपास तो ये कट ऑफ लास्ट ईयर का बहुत कम था और देख लेते हैं कट ऑफ दो हजार बाईस का जनरल में आप बात करोगे तो एट्टी एट था ठीक था ई की बात करें तो एट्टी था ओबीसी की बात करें तो एट्टी था एस की हम बात करें तो 74 था एस टी की बात करें तो सिक्सटी नाइन था और पी एच की हम बात करें तो फोर्टी के आसपास था टोटल मार्क्स ये दो सौ मार्क्स में थे थे दो सौ मार्क्स में से ये जो हमारा कट ऑफ था जो पिछली बार भी बताया था ये दो सौ मार्क्स में थे थे भाई साहब दो सौ मार्क्स में तो दो सौ मार्क्स में पचहत्तर था पिछली बार जनरल का कट ऑफ और दो हजार बाईस में ये एट्टी टू था अब हम देख लेते दो हजार इक्कीस का देख लेते हैं कि दो हजार इक्कीस का कितना था तो दो हजार इक्कीस का वही आसपास था कि एट्टी सेवन था और फिर ई एस की हम बात करें तो एट्टी था ओबीसी की की हम बात करें तो 84 था, SC की बात करें करें तो तो था था इस बार SC का थोड़ा सही था दो हजार इक्कीस में एस सी कैटेगरी का कट ऑफ अच्छा खासा था सेवनटी फाइव एस टी का भी सेवनटी था मतलब यहाँ सी सेट थोड़ा सही रहा होगा नॉर्मल रहा होगा लेकिन इतना टफ जो दो हजार तेईस में जो था टी सेट वो बहुत टफ था मैंने भी दिया था सच बता रहा है सी सेट करते हुए आप समझते हो विदाउट प्रैक्टिस चले गए तो आपके समझ गए आप परेशान हो सकते हो पसीने छूट सकते हैं कि क्वेश्चन आप लगा रहे हो दिखेगा सरल है लेकिन कर नहीं पा रहे हो आप मतलब आप तीन घंटे में पेपर कर सकते हो पूरा लेकिन दो घंटे में पेपर को सी सेट को करना बहुत चुनौतीपूर्ण हो जाता है तो ये भी आपको पता होने ऐसी हम फिजिकल हैंडीकेप्ट की हम बात करें वेरियस कैटेगरी की बात करें तो उसमें फोर्टी थ्री से लेकर सिक्सटी एट परसेंटेज था सिक्सटी एट मार्क्स था सॉरी ठीक है और देख लेते हैं हम 2020 की बात करें 2020 में क्या था जनरल की जो आप कट ऑफ देखोगे 92 था 200 में से 92 मार्क्स ये कट ऑफ था इतना ई का कितना था 77 था ओ का 89 था और एस का 74 था एस का 68 था और जो कैटेगरी है पीएच कैटेगरी उनका 40 से लेके 70 था तो ये आप पिछले साल के 2020 की हम बात करें 2021 की 2022 की 2023 का हमने देख लिया एक कंपेयर आप करना चाहो तो कंपेयर भी कर सकते हो यहां पर कि 2023 की हम बात करें कि 2023 का कितना था 75 200 मार्क्स में से टोटल कितने मार्क्स में से था ये 200 मार्क्स में से का टॉप था प्रीलिम्स का 2022 का कितना था 88 था तो चेंज होता रहता है 2021 का कितना था 87 था 2020 का कितना 92 तो आप देखोगे सबसे कम जो गया था वो यही था दो का ऐसी हम देख सकते हैं डब्ल्यू का आप देख सकते हो कि 68 गया था 82 गया था 80 ये ईयर 2021 में 80 गया था ओबीसी का देख सकते हो 2023 में बहुत कम गया था 74 फोर दो में देखें तो 87 गया था 2021 में 84 मार्क्स गया था 2020 में 89 मार्क्स गया था और भी कैटेगरी का एस और एस का भी आप आप देख सकते हो तो यह समझ में आ गया कि भैया कट ऑफ तो जो है ना वो जीएस एस वन का जो पेपर है उस पर तो डिपेंड करता ही है लेकिन उससे बड़ा फैक्टर क्या है सी सेट बहुत बड़ा रोल अदा कर रहा है अब आप ऐसे ऐसे लोग मिल जाएंगे जिनके मार्क्स 110 हैं पहले पेपर में और नहीं क्वालिफाई कर रहे हैं अब 110 मार्क्स का क्या फायदा है वो बाहर हो गए अब ऐसे लोगों को मौका मिल जा रहा है जिसने सी सेट निकाला है और एवरेज मार्क्स भी आ गए नब्बे मार्क्स आ गए या समझ गए उन लोगों का सिलेक्शन हो जा रहा है तो अब हमें आपको जो पढ़ाई करनी है वो बैलेंस वे में आप यूपीएससी निकालना चाहते हैं भाई साहब तो आपको क्या करना पड़ेगा सी सेट को हल्के में नहीं ले सकते मेरे साथ भी हुआ है मेरे दोस्तों के साथ भी हुआ है इस बार तो मेरा सी सेट निकल रहा है लेकिन एक जो इससे लास्ट की लास्ट में उस टाइम पर मेरे बहुत अच्छे मार्क्स थे एक के आसपास थे लेकिन सी सेट में टक गया था वो मेरा पहला अटेम्प्ट था दो की हम बात कर रहे हैं वो पहला अटेम्प्ट था मेरा तो रीजन होता है कभी कभी क्या हो जाता है कि हमें पता नहीं रहते हैं और नए नए जोश में हम जाते हैं कि नहीं यार हम तो बी से हैं आई से हैं हम तो सीसेट निकाल लेंगे ऐसा नहीं है हर चीज प्रैक्टिस मांगती है चाहे कितने भी आप दुरंधर हो भाई साहब लेकिन आपको प्रैक्टिस करके जाना पड़ेगा अब थोड़ा देख लेते हैं कि आज की हम बात करें कि आप अभी की हम बात करें कि मान लीजिए जो पेपर आज हुआ है 2024 का जो प्रीलिम्स है 2024 जो प्रीलिम्स है उसका कट ऑफ क्या जा सकता है तो मेरे अकॉर्डिंग देखो क्या है हम लोग केवल क्या संभावित ही बता सकते हैं एग्जैक्ट तो जब मार्क्स आएंगे भाई साहब जब अभी अभी दस बारह दिन में क्या है जिन लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा उनका नाम आ जाएगा कि भाई साहब इन लोगों का सिलेक्शन हो गया प्रिलिम्स के लिए और फिर जब फाइनल सिलेक्शन आता है तब इनके मार्क्स बताए जाते हैं कि कट ऑफ क्या रहा होगा समझ गए तो अभी तो हम लोग कयास कर सकते हैं केवल एक अनुमान लगा सकते हैं मेरे अकॉर्डिंग क्या जाएगा कि हम प्रिलिम्स की बात करें इस कट ऑफ की बात करें तो कट ऑफ इस बार कम नहीं जाएगा कि आप बहुत मान लीजिए सॉरी बहुत ज्यादा नहीं जाएगा रीजन क्या है कि पेपर जो आप देखोगे सी सेट इस बार ठीक है थोड़ा सा कमजोर था थोड़ा सा लास्ट ईयर के कंपेयर में लेकिन बहुत ज्यादा सरल नहीं था तो कट ऑफ कितना जा सकता है कट ऑफ मेरे अकॉर्डिंग जा सकता है नब्बे माइनस प्लस फाइव इतना जा सकता है इसी के आसपास रहेगा थोड़ा जा सकता है नाइन्टी फाइव हंड्रेड के आसपास जा सकता है और आप ऐड करना लेकिन ये कोशिश करो कि नहीं भाई साहब ये बहुत कम चला जाएगा कि एट्टी से नीचे जाएगा ऐसा नहीं होगा या बहुत ज़्यादा चला जाएगा एक सौ दस चला जाएगा ऐसा नहीं रहेगा इसी के आसपास रहेगा आपके नब्बे प्लस मार्क्स हैं तो आप आप बहुत अच्छे से तैयारी कीजिए मेंस की तैयारी में लग जाइए मेहनत करना स्टार्ट कर दीजिए दस बारह दिन आपको खराब नहीं करना है तो भाई साहब पढ़ाई करो अच्छे से मेंस की तैयारी करो पीडब्ल्यू बहुत से इनिशिएटिव ऐसे लेके आ रहा है जिसमें मेंस की तैयारी कराई जा रही है अच्छे से पढ़ते रहिए मेहनत करते रहिए ऑल द बेस्ट